अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां विगत दिनों हैदराबाद से उत्तर प्रदेश जा रही यात्री बस की ट्रक से टक्कर हो गई थी, जिसमें 15 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं 40 यात्री घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों का उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। दीपावली में घर न पहुंच पाने वाले घायलों के बीच श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन और CMO पहुंचे और उन्हें मिठाई फल देकर उनका दुख दर्द को बांटा और शीघ्र ही स्वस्थ होकर अपनों के बीच पहुंचने की बात कही है। घायलों से मिलने पहुंचे डीन और CMO ने, आइए सुनते हैं क्या कहा है। तो भैया दिवाली मनाओ, सारी हम घर पे खाओ, जो भी है जैसा भी है। कभी कभी ऐसा दिवाली भी होता है, भगवान की शक्ति मनाओ, ईश्वर की दया से होते हैं। तो आज शायद स्वस्थ होके जाएंगे, परेशान नहीं होइएगा, बस समय लगता है, लेकिन समय के साथ बहुत अच्छा। देखिए जो खराब समय होता है वो किसी का वो कभी बता कर नहीं आता। हमारे यहाँ अभी दो दिन पहले रात में सुहागी आने में एक बहुत बड़ी बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें 15 लोग जो है वो वहीं स्पॉट पर खत्म हो गए थे। और जो प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से सारे के सारे बाकी लोगों को हम ले आके यहाँ भर्ती किया गया, उस वजह से हम फिर उसके बाद कोई किसी की मौत को रोकने में सफल हुए। उसके बाद यहाँ भर्ती लोगों में से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन वक्त ख़राब कभी बता के नहीं आता। बेचारे अपने सुदूर काम करते थे हैदराबाद में और अपनी छुट्टियों पर दिवाली मनाने के लिए घर जा रहे थे। उनमें कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई नेपाल के भी रहने वाले हैं। तो इस तरह के लोग जब यहाँ मुसीबत में पड़ गए, और त्यौहार तो अपने समय पर है, तो हम लोगों ने चिकित्सालय प्रशासन ने ये सोचा कि भाई इनके त्यौहार पर इनको ये न लगे, किसी भी तरह का एहसास ना हो कि हम अकेले सुदूर गाँव में, तो उनके अपने घर से दूर हैं ये एहसास ना हो, इसलिए वहाँ के भाई बहन नहीं तो यहाँ के भाई बहन भारतीय तो रही हैं। हमने ये फैसला किया कि हम लोग जो हैं उनके साथ दिवाली मनाएंगे। तो आज हमने उन लोगों को जाके मिठाइयाँ खिलाई हैं। और उनमें से दो लोग हैं जिनके फीवर में फ्रैक्चर है, किसी के पीलिया में है, तो उनका भी ऑपरेशन कराया जाएगा। एक मरीज सर्जरी आईसीयू में भर्ती है, उसका मैंडिबल फ्रैक्चर है, उसका भी ऑपरेशन कराया है। तो उनका सबका जब पूरा इलाज कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद ही उनके घर भेजा जाएगा। और ये इलाज की कार्यवाही पूरे डॉक्टर्स पूरे तत्परता से कर रहे हैं। और जब मरीज आए थे उस टाइम पर भी तत्परता से लगे हुए थे, जो बचे थे कुछ लोग अपने परिजनों के साथ अपने अपने जाके गंतव्य स्थान पर वहाँ पर चले गए, क्योंकि त्यौहार का समय है। और जो लोग नहीं गए उनको त्यौहार मनाने में कोई कमी नहीं रहे, उसके लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो उनको मिठाई दे के त्यौहार मनाए, इसलिए वो दिया जाए। और इस त्यौहार के समय में जनता से कुछ मेरी अपील है। एक तो ये है कि जब पटाखे चलाएं तो सावधानी से बरतें, नहीं हमारे, क्योंकि हम तो हर बार देखते हैं दीपावली के समय पे बहुत सारे लोग हाथ जला के कुछ करके यहाँ पे आते हैं, फिर भी ऐसी अनहोनी घटना होती है। तो अस्पताल प्रबंधन ने उसके लिए भरपूर व्यवस्था की हुई है, समय पर अस्पताल पहुँचे। जनपद नई जड़ी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंदवासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनीय जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी, आपका सुख ही हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प है। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाव विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति।
बंगाली दवाखाना मसौदा के मशहूर चर्म रोग डॉक्टर व पूर्व जिला पंचायत सदस्य तथा भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेशवासियों को दशहरा, धनतेरस, दीपावली व भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर संघ जनपद अयोध्या के जिला मंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज खजुराहट अयोध्या के वरिष्ठ लिपिक विजय कुमार यादव की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेशवासियों को दशहरा, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर उमेश चौधरी MBBS और चेयरमैन चिरंजीव हॉस्पिटल मैटरनिटी ट्रामा एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक सेंटर नाका जनपद अयोध्या की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को दशहरा, धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों और जनपदवासियों को दीपावली, भैया दूज और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर उमेश चौधरी, सर्जन चिरंजीव हॉस्पिटल, और सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि इस बीमारी जो है महामारी का रूप ले चुकी है, इससे जो है सावधान रहें और अपने आप को बचा के रखें। बचाने अपने आप को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि आप जो है डेंगू के मच्छर जो दिन में काटते हैं उससे बचने के लिए फुल आस्तीन के कपड़े पहने, टीवी पार्ट आपका जो है वो न रहे, खुला न रहे, और दूसरा आस पास अपने जो है पानी इकट्ठा होने से, जो भी कूलर और छोटे छोटे बर्तन में पानी इकट्ठा है उस पानी को फेंकें और सावधानी रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।